हाय एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। आई नो इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आप मुझे दोबारा देख रहे हो तो आपको पता होगा मैं काफी इनएक्टिव थी यूट्यूब पे। आई मीन हूँ यूट्यूब पे। शॉर्ट्स तो मैं डेली अपलोड कर रही हूँ, इंस्टा पे भी मैं काफी एक्टिव हूँ, बट यहाँ लॉन्ग फॉर्म वीडियोज में मैं बहुत इनएक्टिव हूँ। काफी टाइम ऐसा होता है कि मैं वीडियो शूट तो करती हूँ बट उसे एडिट नहीं करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, या फिर एडिट करने के बाद मुझे पसंद नहीं आता है उसको डिलीट कर देती हूँ। मीन्स यही सब चलता रहता है। बट कहीं से तो स्टार्ट करना था, तो टुडे इज द डे एंड आज ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। मीन्स ये काफी रैंडम सा था। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ। मैंने सोचा गेट रेडी विद मी कर लेते हैं, सम चीज चैट कर लेते हैं एंड आपको मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड 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 वेलकम टू माई चैनल गाइज, वेलकम टू माई चैनल और वेलकम बैक टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज 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 वॉच दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड या सब्सक्राइब कर लो। और क्या, सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो अब रेडी होते हैं तो मैं लाइफ अपडेट भी देती रहूंगी। पता नहीं किसी को जरूरत है भी या नहीं, बट मैं दे रही हूँ। जिसको इंटरेस्ट हो वो सुन लो। एंड या अभी मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस फेस मिस्ट। वेरी रिफ्रेशिंग। मैंने इसको फ्रिज में रखा था एंड काफी ठंडा ठंडा सा लग रहा है, बहुत गर्मी है दिल्ली में। ओके सो आई एम इन दिल्ली, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लॉट ऑफ यू नो दैट आई एम फ्रॉम प्रयागराज एंड अभी मैंने प्रयागराज को छोड़ दिया है। मीन्स वहां से मैं मूव आउट कर गई हूँ, विच इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग बट यस। एंड अभी मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गई हूँ। आई एम इन दिल्ली नाउ एंड या दिस इज, इफ यू आर वॉचिंग माई शॉर्ट्स देन यू नो कि मैं शॉर्ट्स पे बहुत एक्टिव रहती हूँ एंड मैं काफी टाइम से ट्राई भी कर रही हूँ कि यूट्यूब पे रेगुलर रहूँ। एंड आई प्रॉमिस यू गाइज मैं अब रेगुलर रहूंगी यूट्यूब पे। नाउ आई एम अप्लाइंग दिस सीरम एंड दिस इज फ्रॉम फॉक्सटेल, हाइलुरोनिक एसिड है तो इसको मैं अभी हाइलुरोनिक सीरम इसको मैं अप्लाई कर लूंगी। सो आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग दिस, दिस इज डॉट एन की मॉइस्चराइजर, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है एंड ये बहुत हाइड्रेटिंग, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर। आई जस्ट लव दिस मॉइस्चराइजर एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस मॉइस्चराइजर, यू गोना लव दिस। मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी जुलाई में आई गेस एंड तब से मैं यहाँ हूँ एंड मैं तब से सोच रही हूँ कि अब मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊंगी, अब मैं यूट्यूब पे रेगुलर रहूंगी, अब मैं ये अब मैं वो, बट हो ही नहीं रहा था। आज बस रैंडम सा बना रही हूँ, पता नहीं क्या ही बनने वाला है, क्या ही अपलोड करने वाली हूँ। अभी एक घंटे पहले मैं अपनी पुरानी वीडियो देख रही थी 4 साल पहले की, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। वो वीडियो देख के मुझे काफी क्रिंज सा फील हो रहा था, मुझे लग रहा था ओ माय गॉड ये कैसा बोल रही है, आवाज कहीं जा रही है, मैं कहीं बोल रही हूँ एंड बहुत ही अजीब था। बट वही प्रोसेस था जो मैं आज यहाँ हूँ। मेरे पास काफी ज्यादा इक्विपमेंट है, मेरे पास माइक है एज यू कैन गेस सी एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबल माइक जो मैंने इन्वेस्ट किया है। एंड अगर आपको वीडियो देखनी है मेरे इक्विपमेंट की कि मैंने क्या क्या इक्विपमेंट परचेस किए हैं, क्योंकि मैंने सारे के सारे इक्विपमेंट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में परचेस किए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। मैं प्लानिंग कर रही थी कि मैं ऐसा इक्विपमेंट का वीडियो बनाऊँ कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया है। ओके सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस सनस्क्रीन, दिस इज फ्रॉम फिक्स डर्मा एंड ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल व्हाइट कास्ट नहीं होता है इससे, ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। क्योंकि अगर आपको देखना है, मैंने इतना ज्यादा रिसर्च किया इक्विपमेंट की, क्या लाइटिंग अच्छी होती है, क्या कुछ अभी तो मैं नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ, क्या माइक में इन्वेस्ट किया, मैंने कितने माइक मंगा के उसको फेंक दिए क्योंकि वो यूज में ही नहीं थे एंड पहले कुछ दिन तो वो काम कर रहे थे, बाद में नहीं कर रहे थे तो रिटर्न भी नहीं हो रहे थे। तो अभी मैंने इन्वेस्ट किया है, काफी अच्छा वर्क कर रहा है अभी तक तो, काफी टाइम हो गया, 2 महीने हो गया, अभी तक तो कुछ भी खराब नहीं हुआ। तो आई कैन रिकमेंड दिस। तो अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो देखना है, क्योंकि मैंने काफी स्ट्रगल किया है, तो एज अ क्रिएटर अगर आप भी सोच रहे यूट्यूब स्टार्ट करने का या फिर आपको क्या इक्विपमेंट खरीदने चाहिए या क्या नहीं, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज द सनस्क्रीन। ओके जस्ट ओके प्लीज डोंट जज मी फॉर दिस वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ही रैंडम सा वीडियो बना रही हूँ एंड पता नहीं मैं लंबा करूंगी या छोटा करूंगी, अभी फिलहाल मुझे नहीं पता है। एंड दिस इज द सनस्क्रीन एंड बाहर बहुत गर्मी है, दिल्ली की गर्मी ओ माय गॉड, मैंने बस सुना था एंड जब से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अजीब ही गर्मी होती है यहाँ, तो अजीब ही गर्मी होती है, इसीलिए मैं बहुत ही मिनिमल से मेकअप करूंगी। सो ऐसे सेट की मैं बहुत ही मिनिमल से मेकअप करूंगी, स्टार्ट करने जा रही हूँ इससे। दिस इज कंसीलर फ्रॉम मेबेलिन एंड ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, समझ लो। तो जहां जहां में डार्क डार्क एरिया है मैं वहां पे अप्लाई कर लूंगी एंड मैं ब्लेंड कर लूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से। मुझे मेकअप करने के लिए सिर्फ एक ब्यूटी ब्लेंडर ही काफी है, ढेर सारे ब्रशेस की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक ब्यूटी ब्लेंडर से अपना पूरा मेकअप कर सकती हूँ एंड मुझे लगता है सभी कर सकते हैं।
आई एम जस्ट डैबिंग अराउंड माई आईज. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस. दिस इज बीबी क्रीम फ्रॉम सुगर कॉस्मेटिक्स. एंड बीबी क्रीम मेरा शुरू से ही काफी फेवरेट रहा है. मैं कहीं भी ऐसे यूजली कॉलेज भी जाया करती थी, फिर बीबी क्रीम जस्ट अप्लाई कर लेती थी एंड उसके ऊपर मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई करती थी. दैट वॉज माई गो टू मेकअप लुक. जस्ट मैं बीबी क्रीम, कॉम्पैक्ट, मस्कारा एंड लिप बाम, दैट्स इट. एंड आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो सेम अप्लाई करती हूँ, बस प्रोडक्ट थोड़े से चेंज हो गए हैं. तब मैं पॉन्स बीबी क्रीम से काफी ज्यादा ऑब्सेस थी. मेरा फर्स्ट वीडियो भी उसी पे था एंड मैं कुछ टाइम पहले वो ही देख रही थी क्योंकि मैं कैसा रिव्यू डाला है मैंने. ओ माई गॉड, लेट मी जस्ट ब्लेंड विद माई फिंगर्स. मैं ऐसे जल्दी में कुछ भी करती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ. दिस इज मी, जस्ट ब्लेंड एंड ब्लेंड. एंड जितना फ्लॉलेस लुक ब्यूटी ब्लेंडर से आता है आपको ब्रश से नहीं मिलेगा. सो जस्ट इन्वेस्ट इन गुड ब्यूटी ब्लेंडर. अगर मुझे ये बात तब पता होती जब मेरे पास कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रशेस नहीं हुआ करते थे कि एक ब्यूटी ब्लेंडर से सारा मेकअप हो जाएगा, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करती ब्रश में. काफी एक्सपेंसिव आते हैं ब्रशेस. ओके, देन मैं अप्लाइंग दिस फिट मी का लूज पाउडर. इज डिपिंग टू दिस, इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर को रिमूव करूंगी एंड देन इसको अंडर आई पे अप्लाई करूंगी. Then I'm going to apply this blush. This is from Love Earth and ये lip and cheek tint है and ये बहुत ही अच्छा कलर है. इसके पास, इसकी मेरे पास दो कलर अवेलेबल है, दोनों ही मेरे फेवरेट हैं. Look at this, how beautiful. So then and look at this, this is very natural. And then I'm going to curl my lashes with this lash color and this is from Vega, I guess. Yes. And I love doing this. I mean, look at the difference. Then I'm going to apply this mascara. This is from again Sugar Cosmetics. And you can see the difference. And lastly, I'm going to apply this lipstick. This is from Mamaearth and this is Espresso Brown. I am in love this one, this shade. Look at this shade. मैंने जब से इसको लिया है मैं बस इसी को कहीं भी लगा के जाती हूँ. I mean literally कहीं भी. I have bunch of lipsticks but I use only this one and the other one is from Simply NAM. वो भी brown shade में ही है तो I usually prefer brown lipsticks. Let me just. ओके, सो मुझे हेयर वॉश किए हुए 2 to 3 days हो गए हैं एंड काफी चिपचिपा सा हो गया है. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस एनोमली का ड्राई शैम्पू एंड ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है. आपको जस्ट ऐसे अप्लाई करना है एंड थोड़ा सा इसको फिंगर से मिक्स करना है जो भी बोलो एंड आपको इंस्टेंटली डिफरेंस नजर आने लगेगा एंड स्मेल भी काफी अच्छी आती है. ओके, and yes, this is my final look. I'll show you guys my full outfit in the market. So let's go because we are really getting late.